हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। ये हमारी जो पावर प्लांट कर रहे हैं हम, उसकी ये सेकेंड क्लास है। इसमें हम कुछ बेसिक समझेंगे ब्यूटेन साइकिल के, क्योंकि ब्यूटेन साइकिल जनरली दो टाइप की होती हैं, तो उसके बारे में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो मैंने साइकिल बनाई है, ब्यूटेन साइकिल बनाई है, इसमें मैंने क्या किया है मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैं लिख देता हूँ ओपन ब्रिटेन साइकिल। ये हो गई ओपन ब्रिटेन साइकिल। यहाँ से ईयर को हम क्या करेंगे, ईयर को ईयर इन होगी, यहाँ पर कंप्रेशन में क्या होगी, वो कंप्रेस होगी, और यहाँ पर भी क्या निकलेगी, यहाँ पर भी ईयर निकलेगी। ठीक है, इसके बाद ये जो ईयर है ये कंबशन चैम्बर में जाएगी। कंबसम चेंबर में क्या होगा, हम यहाँ पर फ्यूल को मिक्स करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एयर थी, यहाँ पर हमने क्या किया, इसमें फ्यूल को मिक्स कर दिया। कंबसम चेंबर में कंबशन होगा, तो यहाँ पर एयर और फ्यूल का मिक्सर आएगा, एयर प्लस फ्यूल, इनका मिक्सर आएगा, जिसको कि हम गैस बोल सकते हैं। वो गैस टर्बाइन में एक्सपांड होगी और एटमोसफेयर में एग्जॉस्ट हो जाएगी। ये एटमॉस्फेयर में एग्जस्ट हो जाएगी। ये है हमारी ओपन ब्रिटेन साइकिल। समझ में आ गया मैंने क्या किया, ओपन ब्रिटेन साइकिल बनाई है। देखिए, ब्रिटेन साइकिल चाहे ओपन हो क्लोज हो, फर्क थोड़ा सा होता है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से एयर लेते हैं, उसको कंप्रेशर में कंप्रेस करते हैं। इसके बाद जो ओपन ब्रिटेन साइकिल होती है, उसमें होता है कंबसन चैम्बर, यानी कि यहाँ पर एयर और फ्यूल मिक्स हो जाएंगे। एयर तो हम कंप्रेस करके ला रहे हैं, और कंबसन चैम्बर में फ्यूल ऐड करके यहाँ कंबसन करते हैं, और इनका मिक्सर को हम टर्बाइन में एक्सपांड करते हैं, और एटमोसफेयर में हम क्या करते हैं, छोड़ते रहते हैं। 99% जो साइकिल यूज होती है ना, वो ओपन ब्रिटेन साइकिल होती है। चाहे आप एरोप्लेन का एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे पावर प्लांट में ले लीजिए। इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। अब हम इसका क्या देख लेते हैं, पीवी डायग्राम देख लेते हैं। पीवी डायग्राम में क्या होगा, कंप्रेसर में हम कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा लेकिन वॉल्यूम कम होगा। कंबसन चैम्बर में हीट एडिशन हो गया, यानी कि प्रेशर, लेकिन इस कंबसन चैम्बर में जो हीट एडिशन होता है ना, वो कांस्टेंट प्रेशर पर होता है। ठीक है, और यहाँ पर टरबाइन में एक्सपांड हो जाएगी। चलिए इसका पीवी और टीएस डायग्राम दोनों देख लेते हैं हम। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कंप्रेशन में एयर कंप्रेस होगी, इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर हीट, वो क्या होता है आपका, फ्यूल का मिक्सर होता है, मिक्स होता है, लेकिन ये किस पर होता है, कांस्टेंट प्रेशर पर। जो हीट एडिशन करते हैं वो हम कांस्टेंट प्रेशर पर करते हैं, किस में करते हैं, ब्रिटेन साइकिल में। ये आपको ध्यान रखना है। और हीट रिजेक्शन भी किस पर करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पर, क्योंकि एटमोस्फेरिक प्रेशर तो कांस्टेंट रहने वाला है। इसके बाद हम क्या करते हैं, वन से टू हमने क्या किया, कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी कंप्रेशन, टू से थ्री कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, थ्री से फोर क्या करते हैं, एक्सपांड करते हैं टरबाइन में, और यहाँ पर ये जो डॉट डॉट से मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि ये एटमोसफेयर में रिलीज कर देते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ब्रिटेन साइकिल। ब्रिटेन साइकिल साइकिल बनाने के लिए इसको क्लोज करना था। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो पीवी डायग्राम है ना, पीवी डायग्राम वो क्लॉक वाइज है। वो कैसा है, क्लॉक वाइज। जितने भी पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल होंगे ना, वो चाहे आपका पीवी डायग्राम हो चाहे टीएस डायग्राम हो, सभी कैसे रहने वाले हैं, क्लॉक वाइज। और जो पावर कंज्यूमिंग होते हैं ना, वो हमेशा कैसे होंगे, एंटी क्लॉक वाइज, यानी कि एंटी क्लॉक वाइज होंगे। और ये कैसे होंगे, क्लॉक वाइज। देख लीजिए इसका टीएस डायग्राम भी देख लीजिए। वन से टू हम क्या करते हैं, कौन वो एडियाबेटिक कंप्रेशन। टू से थ्री क्या करते हैं, हम करते हैं कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। थ्री से फोर क्या होगा, एक्सपांशन टरबाइन में, और फोर से वन क्या होगा, एग्जॉस्ट हो जाता है। ये तो होती है आपकी ओपन ब्रिटेन साइकिल। तो उम्मीद करता हूँ आपको ओपन ब्रिटेन साइकिल समझ में आ गई होगी। देखिए मैं प्रोसेस फिर से बता देता हूँ। वन से टू होता है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, कंप्रेशन में होता है ये। टू से थ्री क्या होता है, कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, ये किस में होता है, कंबशन चैम्बर में, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। थ्री से फोर क्या होता है,
आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन जो कि होता है टर्बाइन में, और फोर्स वन क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन जो कि किस में होता है, एटमॉस्फेयर में। यह इसका पीवी डायग्राम हो जाएगा, ये इसका टीएस डायग्राम हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्लोज्ड ब्रेटन साइकिल पर। क्लोज्ड ब्रेटन साइकिल देखिए, यहाँ पर पहले क्या था, हीट एक्सचेंजर की जगह पर था यहाँ पर कंबसन चैम्बर, और यहाँ पर किस में हम हीट रिजेक्ट कर रहे थे, ये कर रहे थे हम एटमॉस्फेयर में। और यहाँ पर क्लोज ब्रेटन साइकिल में हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया इंटरकूलर, केवल यही डिफरेंस आता है, कंप्रेशन में कंप्रेस होगी। यहाँ पर क्या करते हैं, हम केवल हीट का एक्सचेंज करते हैं, यहाँ पर कंबशन क्या होता है बाहर हो जाता है, और जो जो भी फ्लूड होता है उससे हम हीट ट्रांसफ़र कर देते हैं किसमें, इस फ्लूड में, चूँकि हमारा वर्किंग फ्लूड होता है, उससे हीट लेने के बाद ये टर्बाइन में एक्सपांड होती है, और वही वर्किंग फ्लूड इंटरकूलर में कूल हो जाता है, फिर कंप्रेशन में आ जाता है। तो ये होती है आपकी क्लोज्ड ब्रेटन साइकिल। अब क्लोज्ड ब्रेटन साइकिल में देखिए, ये लाइन पहले मैंने डॉटेड बनाई थी, अब ये लाइन मैंने क्या कर दी, सॉलिड बना दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन ब्रेटन साइकिल की ये डॉटेड बनाई थी, यहाँ पर सॉलिड बना दी, क्योंकि ये साइकिल हमारी कंप्लीट हो रही है। यहाँ पर क्या होता है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, कंप्रेशन में होता है, टू से थ्री क्या होता है, कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एडिशन जो कि किसमें होता है, हीट एक्सचेंजर में, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। थ्री से फोर क्या होता है, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, और फोर से वन क्या होता है, कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन किसमें होता है, ये होता है आपका इंटरकूलर में। तो ये होती है हमारी ओपन और क्लोज्ड ब्रेटन साइकिल। अब देखिए, अब यदि हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक इसका समझ लेते हैं, तो कुछ बेसिक समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसा कि आप ये साइकिल देख सकते हैं, ये साइकिल आपको दिमाग में रखनी है, ये साइकिल आपको दिमाग में रखनी है। अब हम चलते हैं आगे, क्योंकि जब भी हमको एफिशिएंसी निकालनी रहती है, वर्क निकालना रहता है, तो हम क्या करते हैं, कुछ इक्वेशन चाहिए रहेगी हमको, तो चलिए उनको शुरू करते हैं। और ये हम कहाँ से लेकर आएंगे, ये लेकर आएंगे हम स्टैटिक फ्लो एनर्जी इक्वेशन से। यहाँ पर मैं केवल एक बार स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कंप्लीट लिखूंगा, ठीक है, फिर उसी से कंपेयर कर करके हम सारी चीज़ें लिख लेंगे। तो इसको स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के लिए हमको कुछ अजम्पशंस लेने पड़ते हैं। तो अजम्पशन क्या होनी चाहिए, स्टडी फ्लो होना चाहिए, सबसे पहले तो आपका स्टडी फ्लो होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, जो भी आपका सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, परफेक्टली इंसुलेटेड होना चाहिए, दूसरा ये हो जाएगा, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, एडियाबेटिक भी बोल सकते हैं इसको, एडियाबेटिक ही हम जनरली यूज करते हैं, एडियाबेटिक हीट एडिशन, एडियाबेटिक आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। और थर्ड क्या रहेगा आपका, थर्ड अजम्पशन ये रहेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को हम जीरो मान लेते हैं, कि इनमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो चलिए मैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिख देता हूँ, जो कि क्या होती है हमारी, H1 प्लस C1 का स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ1 प्लस Q इस इक्वल टू H2 प्लस C2 का स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ2 प्लस W। देखिए हम क्या लेंगे, हम केस लेते हैं किसका, सबसे पहले हम कंप्रेशन में क्या कर रहे हैं, ठीक है, कंप्रेशन में हम क्या कर रहे हैं, वर्क इनपुट दे रहे हैं कंप्रेशर को, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टरबाइन में पावर प्रोड्यूस होती है, और उसी से हमने एक शाफ्ट कनेक्ट कर दी, ये मैंने शाफ्ट लगाई है, आपको पहले ही बताया था, ये शाफ्ट लगाई है, इसी से हम क्या कंप्रेशर को जितनी पावर चाहिए रहती है वो पावर ले लेते हैं, और इधर हम क्या लगा देते हैं, इधर हमारा जो हम पावर प्रोड्यूस करते हैं उसको हम ट्रांसमिट कर देते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी पर्पस के लिए, यानी कि जितनी पावर टरबाइन को कंप्रेसर को चाहिए रहती है वो कंप्रेसर ले लेता है, वहाँ की रिमेनिंग पावर हम इधर सप्लाई कर देते हैं। तो इसमें देखिए कंप्रेसर में क्या होता है, कंप्रेसर में हमने तीन अजम्पशन लिए थे,
प्रोसेस वन से टू अप्लाई करने के लिए, प्रोसेस वन से टू क्या है आपकी आइसेंटोपिक कंप्रेशन, तो इसमें हमने क्या अजम्पशन ले लिए, स्टडी फ्लो परफेक्टली इंसुलेटेड, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जीरो होगा, यानी कि ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जीरो, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जीरो, परफेक्टली इंसुलेटेड है यानी कि इसमें हीट ट्रांसफर भी नहीं होने वाली है आपकी। इतना आपको समझ में आ गया तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एच वन माइनस एच टू इज इक्वल टू डब्लू। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए आपका एच वन कम है एच टू ज़्यादा है, यानी कि जो कंप्रेशन में हम क्या करते हैं ये जो रिजल्टेंट आएगा इसका क्या आएगा नेगेटिव, तो कंप्रेशन में हम क्या करते हैं वर्क इनपुट देते हैं, यहाँ से प्रूफ हो गया, लेकिन हमको केवल इसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो हम क्या लिख सकते हैं कंप्रेशर का वर्क इज इक्वल टू मोड में एच टू माइनस एच वन लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका किसका कंप्रेशर का वर्क। इतना समझ में आ गया, ये तो हो गया किसके लिए कंप्रेशर के लिए। अब दूसरी प्रोसेस क्या थी, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, या फिर कंबशन चैम्बर में होता है यदि ओपन ब्रिटेन साइकिल होती तो उसमें हम क्या करते हैं फ्यूल और एयर को वहाँ पर क्या करते हैं कंबशन करवाते हैं, और यदि क्लोज ब्रिटेन साइकिल होती तो उसमें हीट एक्सचेंजर लगा देते हैं। तो प्रोसेस टू से थ्री क्या होगी, इसमें भी हम कुछ अजम्पशन ले लेंगे, पहला तो वही रहेगा स्टडी फ्लो, दूसरा अजम्पशन क्या रहेगा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या हो जाएगा आपका जीरो, और थर्ड क्या रहेगा यहाँ पर केवल आप हीट ट्रांसफर कर रहे हैं कोई वर्क नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो क्या लिख देंगे नो वर्क, कोई वर्क नहीं हो रहा है, इतना हो जाएगा। तो चलिए फिर से वही इक्वेशन अप्लाई करते हैं, तो इसमें अप्लाई कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में आपका चेंज जीरो है, लेकिन यहाँ पर आप हीट एक्सचेंज कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर कोई वर्क ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, यानी कि वर्क आपका यहाँ पर जीरो है, तो हमारे पास रिजल्टेंट टर्म क्या बचेंगे, तो टू से थ्री हो जाएगा, ये हो जाएगा टू और ये हो जाएगा थ्री, तो यहाँ पर मैं केवल रिमेनिंग टर्म को लिख लूँगा एच टू प्लस क्यू इज इक्वल टू एच थ्री, तो क्यू इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं एच थ्री माइनस एच टू, यहाँ से यही आएगा ना, तो हम इतनी हीट सप्लाई करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है आपकी, यहाँ पर आप देख सकते हैं थ्री से फोर ये नेक्स्ट प्रोसेस है, तीन से चार में जो है वो टर्बाइन है, ठीक है। यदि हम टर्बाइन का केस डिस्कस करते हैं तो टर्बाइन में भी हम क्या अजम्पशन लेंगे, सबसे पहला ये अजम्पशन तो हमारा रहेगा स्टडी फ्लो परफेक्टली स्टिमुलेटेड और काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जीरो। इसके अलावा क्या ले लेंगे, क्योंकि टर्बाइन में हमको वर्क मिलता है लेकिन परफेक्टली इंसुलेटेड है इसलिए हीट सप्लाई क्या हो जाएगा जीरो, और यहाँ पर ये टर्बाइन कहाँ से कहाँ तक इंसुलेटेड इंसर्टेड है थ्री से फोर, यानी कि ये जो वाला टर्म है ये हो जाएगा एच थ्री और ये हो जाएगा एच फोर, और ये यहाँ पे हो जाएगा वर्क। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ एच थ्री इज इक्वल टू एच फोर प्लस डब्लू, और डब्लू को मैं क्या लिख सकता हूँ यानी कि वर्क को एच थ्री माइनस एच फोर, ये हमारा क्या हो जाएगा टर्बाइन का वर्क यहाँ पर आ चुका है आपको समझ में। इसके अलावा एक और टर्म क्या बचा, हीट रिजेक्शन, हीट रिजेक्शन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है एच फोर से एच वन, तो चलिए हीट रिजेक्शन के लिए भी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टडी फ्लो तो रहेगा ही, इसके बाद में ये वाला टर्म हट जाएगा यानी कि परफेक्टली इंसुलेटेड नहीं रहेगा, इसमें रहेगा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में जीरो चेंज जीरो, और क्या हो जाएगा हमको कोई भी वर्क नहीं मिल रहा होगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा हीट तो ट्रांसफर हो रही होगी लेकिन वर्क जो रहेगा वर्क क्या हो जाएगा वर्क जीरो, और ये टर्म क्या हो जाएगा एच फोर और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा एच वन। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको एच फोर इज इक्वल टू एच वन और एच फोर प्लस क्यू इज इक्वल टू एच वन, और यहाँ पर क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच वन माइनस एच फोर। अब हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एच फोर वाला टर्म बड़ा है और एच वन छोटा है, यानी कि ये क्या आ जाएगा नेगेटिव, यानी कि आप हीट रिजेक्ट कर रहे हैं, आप हीट रिजेक्ट कर रहे हैं, तो
क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एच फोर माइनस एच वन, क्योंकि हमको केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है, मैग्नीट्यूड से मतलब है, हमको कुछ वैल्यू नहीं चाहिए। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आए। सबसे पहले वन से टू में हमारा क्या इंस्टूलेटेड है, कंप्रेशर। तो कंप्रेशर के केस में हमारा मैग्नीट्यूड क्या आया है, वर्क ऑफ कंप्रेशर कितना हो जाएगा, एच टू माइनस एच वन, हमको केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है, ठीक है। हीट सप्लाई हमने कितनी की है, हीट सप्लाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच थ्री माइनस एच टू। और टर्बाइन का वर्क हमको कितना मिला है, टर्बाइन का वर्क मिला है हमको एच थ्री माइनस एच फोर। और हीट रिजेक्ट हमने कितनी की है, हीट रिजेक्ट की है एच फोर माइनस एच वन। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो था ब्रेटन साइकिल के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। एफिशिएंसी हम कैसे निकालते हैं आइडियल ब्रेटन साइकिल की, बैक वर्क रेशियो क्या होता है, वर्क रेशियो क्या होता है, एक टर्म होता है ना बैक वर्क रेशियो, ये क्या होता है, बैक वर्क रेशियो क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो ये था हमारा लेक्चर टू क्लास टू, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।